कोसा धामन के 4G विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने किया प्रखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर का दौर। ईद के मुबारक मौके पर प्रवासी मजदूरों के लिए किया खाने का प्रबंध। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुजाहिद आलम ने कोसा धामन विधानसभा क्षेत्र के 30 पंचायतों में संचालित सभी क्वारंटाइन सेंटरों में भोजन उपलब्ध कराया। मुजाहिद आलम ने आज पाटकोई पंचायत के कलकली मदरसा क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही सभी प्रवासियों को बिरयानी, फ्रेश मैंगो जूस और पानी की बोतलें उपलब्ध कराई। देखिए निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है किशनगंज जिला के कोचा धामन प्रखंड से। खबर ये है 165 प्रवासी मजदूर जो प्लस टू उच्च विद्यालय बिशनपुर क्वारंटीन सेंटर में थे, उन्हें माला पहनाकर माननीय विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने घर विदा किया। दोस्तों एक अच्छी खबर ये भी है कि कुट्टी पंचायत के अपग्रेड मध्य विद्यालय मस्तनिया में माननीय विधायक ने जाकर न सिर्फ खाने की जांच की बल्कि खुद बैठ करके उन्होंने खाना खाया और ये जानने की कोशिश की कि जो प्रवासी मजदूर भाई रह रहे हैं उन्हें खाना वाकई में सही मिल रहा है या सिर्फ कागज में सही है। टेलीफोनिक वार्तालाप में मुजाहिद आलम ने कहा कि उन्होंने सोनथा हाई स्कूल क्वारंटीन सेंटर और बहिकोल क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर न सिर्फ लोगों का हालचाल लिया बल्कि वहां दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। यही नहीं उन्होंने सभी रसोईया को मच्छरदानी, दरी और चादर प्रदान किया।